दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से भारत फ्यूचर डॉक्टर्स का आपके अपने यूट्यूब में। दोस्तों बता दें, बड़ी अपडेट है जी दोस्तों, गुड न्यूज है सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना है एमबीबीएस करने का। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, गेटिंग एन एमबीबीएस डिग्री मे सून गेट चीपर बाई 70% नोन वाई। आप सभी जानते हैं कि भारत में एमबीबीएस करना बहुत ही महंगा काम है। यहाँ पर भारत में बच्चों को 10 से लेकर 25 लाख रुपए पर ईयर तक की फीस देनी होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में, जहां पर अब फीस होगी काफ़ी सस्ती। जी हाँ, बता दें कि भारत सरकार ने बोर्ड और गवर्नेंस से रिक्वेस्ट की है कि वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन यानी कि अगस्त से शुरू हुए सेशन से पहले एक ड्राफ्ट बना ले कि आखिर कितनी फीस किस कॉलेज की करनी है, और इसके तहत जो है फीस जो हो वो 6 से 10 लाख रुपए पर ईयर तक ही हो, यानी कि 25 लाख जहां फीस थी उस फीस को 6 से 10 लाख के समथिंग ही कर दिया जाए। आप सभी बता दें, अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने कमेटी बनाई, इसको बोलते नेशनल मेडिकल कमीशन, और कमीशन का काम था कि भारत में वो सभी प्रकार की मेडिकल सर्विसेज को देखे। तो नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद फाइनली कल हुई मीटिंग में बड़ा ऐलान कर दिया गया है, और अब भारत की फीस जो है लगभग प्राइवेट कॉलेज 70% तक कम हो जाएगी। जहां पर फीस 6 से 10 लाख रुपये समथिंग रहेगी, भारत के लगभग 60 से 70% मेडिकल कॉलेजों में। दोस्तों खबर पूरी देखेंगे आप तो काफ़ी कुछ समय लिखा हुआ है। दिल्ली में कल मीटिंग हुई और उसमें बताया गया कि पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सभी प्रकार के 70% कॉलेजेस में जो फीस को घटाया जाए, ताकि गरीब बच्चे जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है वो भी एमबीबीएस कर पाए। नेशनल मेडिकल कमीशन बनने के बाद फाइनली बड़ा ऐलान है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन यानी कि अगस्त 2020 में इस कमेटी द्वारा फीस प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि जो भी बच्चे एमबीबीएस में अच्छा स्कोर करके प्राइवेट कॉलेज जिनको मिला है वो भी एमबीबीएस कर पाएँ और फीस 6 से 10 लाख रुपए तक ही रहे। पूरी खबर बता दें दोस्तों कि विद द प्रोसेस ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन करंटली ऑन द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ आस्क्ड टू बोर्ड ऑफ गवर्नेंस वेस्टेड विथ पावर्स ऑफ द एमसीआई टू प्रिपेयर ड्राफ्ट गाइडलाइन फॉर द फी स्ट्रक्चर इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डीम यूनिवर्सिटी फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन। दोस्तों कुछ दिन पहले खबर आई थी कि भारत सरकार ने बीओजी से बात करने को कहा था, जहां पर अब इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन भी इन्वॉल्व हो गया है और उसने जल्दी से यानी कि अगस्त तक सारी फीस जो है सबमिट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा, सब कुछ बताने को बोला गया है, और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में फीस काफ़ी कम हो जाएगी। दोस्तों बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ सभी छात्रों के लिए है कि फाइनली नेशनल मेडिकल कमीशन एस्टेब्लिश होने के बाद उसने बड़ा ऐलान कर दिया है, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन तक भारत में लगभग 70% तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की फीस कम हो जाएगी। दोस्तों आज इतना, आप दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।